अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोग की दुआ सलाम दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अच्छे से हैं। सो फ्रेंड, मेरी वीडियो बहुत लेट आई है, ईद के बाद से फिर मैं अभी वीडियो डाल रही हूँ। बस वही है, रोज़ का जो काम रहता है टाइम नहीं मिलता है इसके वजह से। सो आज वीडियो बनाने का टाइम मैं शुरू करी हूँ। कितना बज रहा है, 9 बजे मैं वीडियो बनाना शुरू करी हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ खाने में तंदूरी, चिकन तंदूरी। तो चिकन तंदूरी ग्रेवी, वो भी वसीम की फरमाइश पे। वसीम बोल रहे कि बाना पर चिकन तंदूरी ग्रेवी बनाओ, तो मैं बोले ठीक है ट्राई करती हूँ। वैसे तो मैं पहली बार बना रही हूँ, तो ट्राई करती हूँ, देखती हूँ हो पाता है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहला फटाफट से मिलाना शुरू करते हैं। और मैं चिकन तंदूरी का मसाला लेके आई हूँ रेडीमेड, क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा करूँ। तो इसके लिए जो है मैं उसी में ही बनाऊंगी। ओके, तो देखते हैं क्या। सो फ्रेंड, देखिए ये मैंने चिकन लिया है, ये 1.5 किलो चिकन है। इसको मैंने अच्छे से पूरा साफ कर लिया है। इसमें सबसे पहला थोड़ा सा मिलाती हूँ नमक, यहाँ पे मिलाएंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये मैं ली हूँ क्या है, सुहाना का चिकन तंदूरी बेबी बारबेक्यू है, तो इसका मैं बनाऊंगी तंदूरी। ठीक है, इसको डायरेक्ट डाल देना तो फिर कुछ झंझट करना नहीं पड़ेगा। तो फटाफट बनाते हैं। और फ्रेंड देखिए, इसके अंदर थोड़ा सा डाल देंगे हल्दी पाउडर, फ्रेंड देखिए इसमें मैंने थोड़ा सी फूड कलर डाला है, इसे पूरा रेड फूड कलर है वो तो समझ जाएंगे, और इसे पूरा अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे मैं रख देती हूँ कम से कम आधे घंटे के लिए, ठीक है, मैरिनेट करने के लिए रख देती हूँ। अब इसके आगे मैं जा रही हूँ इसके मसाले तैयार करने, जतला का इसको मैं रख देती हूँ फ्रीज में। फ्रेंड अब इसके अंदर मैं सबसे पहले अपने चिकन की ग्रेवी बना लेती हूँ। इसमें तेज़पत्ता, दालचीनी, साथ जीरा है, इसे फटाफट से बन डाल देते हैं। इसी में डाल देती हूँ मैं कांदा, मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है, इसे भी पूरा अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और अदरक लहसुन को भी 5 मिनट तक का फ्राई करना ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। ओके, इसी में मैं डाल दूंगी टमाटर का पेस्ट, ये मैंने 3 टमाटर लिया है, फ्रेंड देखिए अब मैं इसमें हरी मिर्ची का पेस्ट डाल रही हूँ। अब इसके अंदर डाल देंगे थोड़े से अपने मसाले। मसाले में मैंने 1 चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच तीखा वाला मिर्ची पाउडर ली हूँ, थोड़ा सी हल्दी पाउडर ली हूँ। इन सबको पूरा फटाफट से मिक्स कर देते हैं, और इसी में मैं डाल देती हूँ थोड़ा से अपने तंदूरी मसाले जो था मेरा, उसको मैंने थोड़ा सा बचा लिया था, बाकी का मैं इसमें मिला देती हूँ फटाफट से। अब इसमें डाल देती हूँ जरा सी पानी ताकि पूरे मसाले अच्छे से पक जाए। देखिए मसाला माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से भुना गया है एकदम, और तेल भी छोड़ दिया है। अब इसे मैं बंद कर देती हूँ, और यहाँ पे मैं जा रही हूँ अपना चिकन फ्राई करने के लिए। ठीक है, अब मैं तंदूरी बना लेती हूँ, फिर उसके बाद से मैं आगे का आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए यहाँ पे मेरा चिकन तंदूरी फ्राई हो रहा है, और यहाँ पे भी हो रहा है। मैंने 2 जगह रख दिया था क्योंकि बहुत काफ़ी टाइम हो रहा था ना, इसके लिए मैं दोनों जगह बना रही हूँ। और यहाँ पे देखिए इतना बनके तैयार हो गया। अभी मैं इसे कोयले का धुआं दूंगी, ठीक है। फ्रेंड देखिए ये हमारा तंदूरी बनके हो गया है एकदम अच्छे से। अब इसमें मैं जा रही हूँ थोड़ा कोयले का भाप दे देती हूँ। अब इसमें डाल देते हैं घी, तो फ्रेंड देखिए इसमें मैंने कोयले का धुआं दे दिया है। अब इस चिकन को उठा के मैं इसमें डाल देती हूँ। अब इसे पूरा अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं।
फ्रेंड देखिए हमारा सारम चिकन का बनके तैयार हो गया है। ये मैंने बनाया है चिकन तंदूरी ग्रेवी, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा पतला किया क्योंकि इसे हमें रोटी से और नान से खाना है। इसके अंदर मैं डाल देती हूँ ये है अमूल बटर क्रीम, अमूल बटर, ठीक है। और इसी में मैं डाल दूँगी अपने थोड़ा सी हरी धनिया, बस 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 आ लिया। सो फ्रेंड हमारा चिकन तंदूरी ग्रेवी बनके तैयार हो गया है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। सो फ्रेंड हमारा खाना बनके तैयार हो गया है और अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो खाना खाने जाते हैं तो आपको दिखाती हूँ कैसा बना है, टेस्ट करके भी बताएंगे। और वैसे तो खुशबू मसाला बहुत अच्छी आ रही है, रहीम को भी खुशबू बहुत अच्छी आई है। तो अभी बनके तैयार हो गया तो चलो फटाफट से खा लेते हैं क्योंकि फ्रेंड 11 बज गया है, बहुत काफ़ी टाइम हो गया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो फ्रेंड अभी हम खाना खाने जा रहे हैं और मैं निकाली हूँ वसीम को, तो बहुत अच्छा लगा है, बहुत टेस्टी लगा है, तो उसको तो बहुत अच्छा लगा। अब जो खाने को अच्छे से ज़्यादा पहचानती है अब थोड़ा उससे पूछते हैं। तो आइए, अच्छा लगा, मस्त। हाँ तो फ्रेंड आलिया को बहुत अच्छा लगा है और यहाँ पे हमने तंदूरी रोटी मंगाया है, ये वसीम खा रहे हैं। और साजे बताओ, अब वहाँ पे देखो मेरा साथ रहीम है, बहुत मस्ती खाए रहीम। चलो अच्छा आपकी का उसको तीखा नहीं लगा। तो फ्रेंड अब हम खाना खाना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए आज आयत की तबीयत ख़राब है, ये बहुत परेशान कर रही है, तो इसको मैं उठा के फेंकने वाली हूँ कूला, ठीक है। तो परसों ये कूला चली जाएंगी। तो ठीक है अब हम जा रहे हैं खाना खाते हैं, जब तक आप अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।